Today I am going to start class 10th physics chapter 11 human eye and the colorful world. ठीक है, इस चैप्टर में आपके जो भी आईज के डिफेक्ट्स थे वो इस साल आपके डिलीट हो गए हैं मींस ड्यू टू कोविड-19. ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. मींस रिफ्लेक्शन जो होता है प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कैसे होता है हमने पढ़ा था इससे पहले. वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा था ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसमें लाइट किस तरीके से डेविएट होती है अपने पाथ से और किस तरीके से हम इमर्ज होती है लाइट रेज. ठीक है, और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है और हम कह सकते हैं उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ये भी हमने उसमें डिस्कस करा था. तो आज जो टॉपिक है वो है ग्लास प्रिज्म. अब सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज ग्लास प्रिज्म. सबसे पहले हम ग्लास प्रिज्म बना रहे हैं. एक्चुअली ग्लास प्रिज्म का जो शेप होता है वो किस तरीके से होता है, दो ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं एंड दी रेक्टेंगुलर सरफेस. ठीक है, मींस दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और थ्री जो होते हैं वो ट्राइंगुलर सरफेस. पढ़ते हैं डिफाइन करते हैं व्हाट इज प्रिज्म. तो प्रिज्म भी कह सकते हैं हम इसे के कह सकते हैं ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस एंड दीस टू ट्रायंगुलर दीस सरफेसेस आर इंक्लाइंड एट सम एंगल्स सम सूटेबल एंगल्स. अब क्या होते हैं ये दो जो रेक्टेंगुलर वो होते हैं सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं कुछ एंगल से एक दूसरे पर सूटेबल एंगल से हम कह सकते हैं क्या होते हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं. ठीक है, कुछ एंगल पर लगे होते हैं अटैच होते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ये तो हो गया प्रिज्म. अब प्रिज्म के लिए हम कह सकते हैं इसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें किस तरह से होता है. सबसे पहले इंसिडेंट रेज which is coming from the source is known as incident. ये हो गए इंसिडेंट रे. अब नाउ इस पर अभी नॉर्मल थ्रो करें, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल ये हमने नॉर्मल थ्रो कर दिया. दिस वन इज एंगल आई. ये क्या होता है एंगल आई जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, आफ्टर दैट लाइट रे क्या होती है नॉर्मल का बैंड होता है. नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई इसी के लिए हम एंगल. ठीक है, सेम यहां भी यही होगा. नॉर्मल हमने ड्रॉ करा, ये भी नॉर्मल हो गया और इसके बीच में भी एंगल क्या हो गया एंगल आर. नाउ क्या होगा, अब लाइट रेस क्या हो रही है डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जा रही है. यहां क्या था, रियर मीडियम से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई. जब टेंशन मीडियम से रियर मीडियम में जा रही है तो क्या हो रहा है वो नॉर्मल से अभी हो जा रही है और दिस एंगल इज नोन एज एंगल ई और इसे हम कहते हैं इमर्जेंट. एंड एंगल आई इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म. अब एंगल ऑफ डेविएशन कहां है, अगर हम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस फॉरवर्ड कर रहे हैं इजीली और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं ये जो एंगल होता है इसी बीच में से हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, तो ये तो होता है एक्चुअली इसका डायग्राम किस तरीके से होता है. तो हमें हम फिर से एक बार अगेन बता देते हैं इंसिडेंट रे मतलब जो रे किसी सोर्स से आ रही है और जो किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है. इंसिडेंट रे नॉर्मल जो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने ड्रॉ करा है उसके बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस
नाउ लाइट रे क्या होती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से अब बैंड हो जाएगी, नॉर्मल मीडियम तो क्या होगा, नॉर्मल मीडियम बैंड ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का देख रहे हैं, क्या होगा डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अभी हो जाएगी, वो नॉर्मल से अभी होने पे क्या होगा एंगल, और ये जो रे निकल के लिए बाहर से आप कहेंगे इमर्जेंट रे, और ये दोनों रे जो है अगर रिफ्रैक्टेड को फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे इससे इमर्जेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दे फॉर इमेजिनरी, देन उनके बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसे हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे इमेजिनरी प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे इमेजिनरी प्रोड्यूस बैकवर्ड, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में इमेजिनरी प्रोड्यूस करते हैं, वहां जो हुआ है यानी जो इंटरसेक्ट करते हैं वो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसमें अब एक फार्मूला होता है इसके बीच में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए आई बी एंड ई, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल आर। Now this is a relation between angle of prism, angle of deviation, angle of incidence and angle of refraction. तो ये relation होती है चारों के बीच में। हम screen पर हम देख रहे हैं, screen पर हमें एक animation type का दे रखा है जिसमें आपको दिखाया गया है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें किस तरीके से angle of deviation का create होता है, prism से किस तरीके से light ray pass होती है और pass होने के बाद किस तरीके से वो refract होती है, refract के बाद वो again जब प्रिज्म से बाहर निकलती है इमर्जेंट इमर्ज होती है जिसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे, देन उसके बाद दोनों रेज जो बैक वाला इंसिडेंट रे को हम फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और इमर्जेंट रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, उस बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ आपको मैंने एक एनिमेशन टाइप में दिखा रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं उसे किस तरीके से उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे जो मैंने शो कर रखा है, तो ये तो आपका आज चैप्टर मतलब ये टॉपिक जो है आज का आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे का पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं, तो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड शेयर माय YouTube वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय YouTube चैनल जूल्स क्लासेस बाय गौरव सर, एंड फॉर More videos, please click on the I button above.